सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई के अलावा ईडी और एनसीबी भी कर रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का गबन किया है। अब सूत्रों की माने तो ईडी की जांच में कुछ भी संदेहास्पद सामने नहीं आया है। सुशांत केस में जांच कर रही ईडी के सूत्रों का कहना है कि इस केस में कोई भी संदेहास्पद ट्रांजैक्शन सामने नहीं आए हैं। ईडी का यह भी मानना है कि सुशांत के परिवार को उनकी जमा रकम और संपत्तियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। ईडी पिछले 2 महीने से सुशांत के बैंक अकाउंट्स और उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की जांच कर रही है। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करने के बाद भी ईडी के सामने ऐसे कोई ट्रांजैक्शन सामने नहीं आए हैं। हालांकि ईडी की टीम सुशांत के अकाउंट से हुए कुछ छोटे ट्रांजैक्शंस की अभी भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को सुशांत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से केस की जांच शुरू की थी। सुशांत के पिता के सिंह ने यह भी आरोप लगाया था कि रिया और अन्य लोग उनके बेटे के पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे थे। इसी शिकायत में के सिंह ने आरोप लगाया था कि सुशांत के एक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से एक साल के अंदर ही 15 करोड़ रुपए के ट्रांसफर कर लिए गए। ईडी के सूत्र का कहना है कि अभी तक की जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जो आरोप सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में लगाया था। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।